नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कश्यप दिल्ली से। कल मैं डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आ गया। 16 दिन के क्वारंटीन, 16 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के बाद 5 अप्रैल को मेरे को फीवर आया था, जो कि धीरे धीरे 100, 101, 102 हाई ग्रेड फीवर में तब्दील होता गया और फिर मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। RT-PCR करवाया, पहले तो सोचा कि शायद वायरल है, हफ्ते में सही हो जाएगा, बट नहीं हुआ लकली। लेकिन मेरे डॉक्टर्स ने, डॉक्टर जो थे मेरे, उन्होंने कोरोना के लिए जो इम्यूनिटी बूस्टिंग मेडिसिन थी वो लिख दी थी उन्होंने मेरे को, तो वो मैं ले रहा था। तो आफ्टर 1 वीक जब कुछ सुधार नहीं हुआ और बल्कि सिचुएशन वर्स हो गई, मैंने RT-PCR करवाया, जिसका अभी रिज़ल्ट आने में 2 दिन लगे। दूसरे दिन रिज़ल्ट आया, वो भी नेगेटिव आया, जिससे कि मैं खुश हो गया। लेकिन एक बेचैनी सी थी और लग रहा था कि नहीं, नेगेटिव ज़रूर है, प्रॉब्लम है। लेकिन दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी बार बार, सांस लेने में ऐसे ऐसे सांस लेता था, पावर लॉस बहुत ज़्यादा था, इतनी बेहद कमज़ोरी कि चार कदम चलना मुश्किल था। कैसे कैसे हॉस्पिटल गया हूँ बस मैं ही जानता हूँ। बस सोचता था कि बस व्हील चेयर मिल जाए कोई, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। लेकिन हाँ, बड़ा मुश्किल हो जाता है चलना, सांस लेना, और थोड़ी सी भी अगर बॉडी पे मेहनत पड़ जाए ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं करीब 16 दिन के बाद आज़ाद हुआ हूँ हॉस्पिटल, एक मेडिकल जो जेल कह सकते हो आप, और एक खुले आसमान के नीचे अपने घर पे ताज़ी हवा का आनंद ले रहा हूँ। लेकिन ये सब प्राप्त करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस, कड़ी मेहनत, डेडिकेशन, ये सब चाहिए। जिस दिन मुझे एडमिट किया गया था, सेम डे से ही मैंने अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग रखी और जैसा जैसा डॉक्टर्स ने बोला उस वैसा किया। प्रॉपर टाइम पे दवाइयाँ, कोई दवाई जैसे कुछ पेशेंट फेंक देते हैं वो ऐसा नहीं करना। प्रॉपर टाइम पे दवाइयाँ, टाइम पे ब्रेकफास्ट, टाइम पे जो ऑक्सीजन है उसका एक प्रॉपर यूज़, ये नहीं कि बस मास्क लगा हुआ है तो बस दिखावे के लिए लगा हुआ है, उसको कायदे से यूज़ करना। यूज़ नहीं हो रही है तो उसको बंद कर देना, ब्रेक ले लेके यूज़ करना, लगातार नहीं यूज़ करना। लगातार SpO2 आपका चेक करना, यानी ऑक्सीजन लेवल, जिसको सेचुरेशन भी बोलते हैं डॉक्टर्स, उसको चेक करना, मॉनिटर करना, और उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का ज्यूडिशियल यूसेज। प्लस आपकी थोड़ा एक्सरसाइज, लंग एक्सरसाइज, वॉकिंग भी ज़रूरी है। जब मैं थोड़ा सा हील और रिकवर होने लगा तो मैंने स्टार्टिंग करी रामदेव जी के अनुलोम विलोम से, और उसके बाद सेकेंडली मेरे को डॉक्टर ने स्पायरोमीटर बताया, तो मैंने मार्केट से एक पड़ोसी दोस्त की मदद से स्पायरोमीटर मंगवाया जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो स्पायरोमीटर से भी मेरे को काफ़ी हेल्प मिली। तो कोरोना कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें। लोग जैसे ही रिपोर्ट नेगेटिव आती, वो सॉरी पॉजिटिव आती है, लोग घबरा जाते हैं, उनके फैमिली वाले उनसे भी ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो पेशेंट कितना घबराएगा। तो करोना का इलाज हो सकता है अगर आप उसको कायदे से रहें। एक बात हाँ ये मायने रखती है कि अगर कुछ लोग हैबिचुअल हैं सिगरेट के, अल्कोहल के, तंबाकू के, जो लोग डेली की सिगरेट पीने वाले हैं, एक एक डब्बी उनको चाहिए ही चाहिए, तंबाकू भी चाहिए ही चाहिए, एक ड्रिंक करने के लिए शाम को अल्कोहल चाहिए ही चाहिए, तो हाँ ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम है। अगर आप किसी चीज़ के एडिक्टेड नहीं हैं, किसी चीज़ के हैबिचुअल नहीं हैं, कम सहूलियतों के साथ गुजारा कर सकते हैं, सरवाइव कर सकते हैं, तो कोविड से निकलना तो बहुत ही आसान काम है। प्लस आपकी विल पावर अच्छी है, पॉजिटिव थिंकिंग है। बस एक छोटा सा संदेश था, कोरोना लाइलाज बीमारी तो है नहीं, ये बात लोगों को समझाएं। और ये थोड़ा मीडिया में बहुत ज़्यादा एक सिचुएशन क्रिएट कर दिया, चारों तरफ डर का माहौल कि बस करोना करोना करोना, उसको ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ ना देखें, मैं तो कहता हूँ ना देखें, वो ज़्यादा बेटर है। पॉजिटिव न्यूज़ देखें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, आपको सही होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ ये हो सकता है अकॉर्डिंग टू बॉडी इम्यूनिटी, बॉडी जैसा आपका बॉडी सिस्टम है, थोड़ा सा शायद जल्दी रिकवर कर जाएँ, थोड़ा तेज़ रिकवर कर जाएँ, बस इतना फ़र्क है, लेकिन हाँ रिकवर होगा। तो बस इतना सा है, अपने डॉक्टर्स पे विश्वास रखें, उनसे प्रॉपर सलाह लेते रहें, जो आपका स्टाफ मदद कर रहे हैं हॉस्पिटल में उसका सहयोग करें, चाहे किसी भी तरह का स्टाफ हो, सीनियर, जूनियर, स्वीपर, क्लीनर, नर्स, डॉक्टर्स,
सिक्योरिटी सबके साथ कोऑपरेट करें, आपको सही जल्द से जल्द हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। अब मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, अगर लगता है कि जानकारी किसी के काम आ सके, किसी का भला कर सके, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल इस हद तक ला सके कि वो जल्द से जल्द अपना कोरोना सही कर ले, तो उस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, और पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो भी कोविड सर्वाइवर्स हैं, और सुरक्षित रहें, सेफ रहें। थैंक यू।